तो विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति के बाद भूपेश बघेल के नाम का ऐलान कर दिया गया। वहीं विधायकों और कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। हमारे सहयोगी मोहित साहू ने धरसीवा विधायक अनीता शर्मा से खास बातचीत की। हरसिवा से नवनिर्वाचित विधायिका अनीता योगेंद्र शर्मा जी हमारे साथ में हैं। हम उनसे जानने चाहेंगे कि आखिर महिला विधायिका होने के चलते आप किस तरह से चुनौती देखती हैं धरसिवा, क्योंकि पूरा जो क्षेत्र है वो उद्योग का क्षेत्र है। जी, धरसिवा में लगातार प्रदूषण का जो झेल वहाँ की जनता झेल रही है वो प्रथम है, और वहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सुविधाएं इतना अस्त व्यस्त है, उसको पहले सुधारना है। शिक्षा स्वास्थ्य मेन अभी मुद्दा है वहाँ पे, जो हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है और स्कूलों में टीचर नहीं है, वो सब चीज़ को लेके आगे हम क्षेत्र में जाएंगे। जीएम घाटी एक बड़ा मामला हुआ था, योगेंद्र शर्मा जी भी शहीद हो गए थे, किस तरह का लगातार सीबीआई जांच की बात होती है, एसआईटी जांच की मांग होती है, लेकिन अब तक से जांच नहीं हो पाई है। अब तक तो जांच नहीं हो पाई थी, लेकिन अब हमारी सरकार बन गई है और सरकार ने घोषणा भी कर दिया है कि सबसे पहले सीबीआई जांच होगी। तो एक तरफ से खुशी का माहौल है, जश्न है कि आज अपराधी जल्दी से जल्दी जेल के अंदर होंगे, सलाखों के पीछे होंगे, ये इस बात की जनता को बहुत ज्यादा खुशी है। आप किस तरह की नई कार्य योजना सोचते हैं कि मैं अपने जनता के लिए किस तरह से नई योजना बनाऊं, कैसे कार्य करूं? पहले तो मैं जनता का जो अभी समस्या है उसको, मैं उस समस्या को पहले समाधान करूंगी, फिर आगे का सोचूंगी। तो अभी जो तमाम जो समस्याएं हैं, खासकर मूलभूत समस्या जो धरसीवा क्षेत्र में, उसे पूरा करने की बात कर रही हैं अनीता योगेंद्र शर्मा जी हमारे साथ। अनीता योगेंद्र शर्मा जी थी साथ में, जो मूलभूत समस्याओं से लेकर जो लगातार बातें हो रही हैं या मूलभूत समस्या से जो जूझ रहे हैं उसको लेकर दूर करने की बात कर रही है। कैमरामैन हिमांशु पटेल के साथ मोहित कुमार साहू, ND24 के लिए।